जल्दी से नहा लेती हैं, 12 का टाइम हो चुका है और जुम्मे नमाज का टाइम बहुत करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप सब लोग। मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक। आज जुम्मे का दिन है और सब बच्चे वगैरह, जैसे कि आप लोगों को पता है कि घर है, कोई नहा रही है और अभी अम्मी नहा रही है और कोई नहा कर धूप पर बैठी हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आज की वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल आरजी मेम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। की कर दे पैजो इधर विकी। मैंने भी नहा लिया है और अभी जुम्मा नमाज पढ़ते हैं, तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो के साथ रहें। जनाब, जो लोग कहते हैं कि आप लोग कहाँ से हैं, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि हम कहाँ से हैं। यहाँ से जो है डीजी खान है, 18 किलोमीटर हमारा यहाँ से हमारा डीजी खान है, और इधर से जामपुर है 18 किलोमीटर, ये जामपुर भी इधर से ही है। इधर से डीजी खान है और इधर से जामपुर है, तो हम दरमियान में हैं कोलछुट्टा में। तो आज मैं आप लोगों को अपनी गांव का विजिट करवाऊंगी, तो आप लोगों ने वीडियो के साथ साथ रहना है। तो मैं अभी रोड पर निकली हुई हूँ। मैंने अम्मी को कहा है कि अक्सर हम घर में वीडियो बनाते, क्यों ना आज घर के बाहर निकल कर वीडियो बनाई जाए। तो हम यहाँ से मेन रोड पर है, मेन हाईवे है, ये कराची वाला रोड है। आज मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं पहली बार यहाँ आकर वीडियो बना रही हूँ। तो ये मेरे अब्बू के कज़न का घर है, इतनी अमीर है लेकिन किसी को अल्लाह के नाम पर एक रुपया भी नहीं देते। कोठी बनी हुई है ना, येलो कलर का पेंट है। ये मेरे अब्बू के कज़न का घर है और इधर से ये वाला हमारा घर है वो सामना। तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि कितनी प्यारा है हमारा गाँव, लेकिन अम्मी वीडियो ही नहीं बनाने देती। ये इधर से डीजी खान है, 18 किलोमीटर ये हमारा डीजी खान है। तो इधर से इधर 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 से ये यहाँ से जामपुर है। ये देखिए, ये मेन हाईवे है, इस पर सारी ट्रैफिक जाती है, बसें वगैरह सब कुछ। ये यहाँ से ये कराची भी जाता है रोड। ये मेन हाईवे है, हमारा रोड के ऊपर ही घर है, इसीलिए तो हमारे सब्सक्राइबर हमारा घर ढूंढ लेते हैं। अब अपने घर के पास आ गई हूँ, ये हमारा घर है, वो किसी ने, ये मैं हूँ, ये मेरा घर है और वो हमारा रोड है, हमारा रोड के ऊपर ही हमारा घर है। अब चलती हैं घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आरजे महविश। सबसे पहले मेरे तमाम अहले मुस्लिम और जो इस टाइम मेरी लाइव वीडियो को देख रहे हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई, उन सबको मेरी तरफ से और मुस्कान ज़ारा की तरफ से जुम्मे की ढेर सारी मुबारकबाद। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ऐसे काफ़ी सारे जुमा देखना खुशी खुशी नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हमें कमेंट करते थे कि आरजे महविश आप कहाँ की रहने वाली हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हमें ढूंढते ढूंढते हमारे घर तक पहुँच ही जाते हैं। सो हमने फैसला किया कि आज आपको अपनी बस्ती का एड्रेस बताया जाए। अबलीज़ में से मेरी बहनें भी मैसेज करती हैं कि बाजी हम आपसे मिलना चाहते हैं। सो हमने सोचा हम अपना मुकम्मल एड्रेस बता दें। हम डेरा गाजी खान के इलाके से 18 किलोमीटर है आगे जामपुर रोड पे कोटछुट्टा, कोटछुट्टे से 2 किलोमीटर है आगे बस्ती मलाना, बस्ती मलाना रोड के ऊपर हमारा छोटा सा घर है लेकिन हमारे दिल बहुत बड़े हैं। आप अपनी फैमिली के साथ आइए, मोस्ट वेलकम, हम आपको खुशी खुशी जो है ना दावत दे रहे हैं। जितना भी हमसे हो सका हम आपके रिस्पेक्ट करेंगे, बाकी जो लोग हमें तंग करने के लिए मर्द हजरात आ जाते हैं तो उनसे मैं माजरत करती हूँ। घर से निकल रहे और काफ़ी अरसे बाद आज हम अपनी ही बस्ती में वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो आप दुआ कीजिए हमारी हिम्मत बंधी रहे, हमारी वीडियो के साथ रहे। ये हैं जी मेरी सास के भतीजों के घर, माशाल्लाह बहुत ज़िम्मेदार लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद ये तीन मरले हमसे यही लोग छीनना चाहते हैं। ये तीनों भाइयों के घर हैं, ये देखिए इतना कुछ अल्लाह ने दिया लेकिन उसके बावजूद भी दिल इतने छोटे दिए। ये मेरी नंद के घर, मेरे शोहर की बहन के घर पहुँच चुकी हैं, उनका टी टाइम है इस टाइम। अब ये है हमारी दर्जन का घर, इधर से हम कपड़े सिलाई करवाते हैं। ये देखिए ये है दर्जन का घर, ये है वो स्कूल जहाँ पे आरजे महविश का बचपन भी गुजरा और मैं स्कूल भी पढ़ी। अभी मायरा भी इसी स्कूल में पढ़ती और मुस्कान भी इसी स्कूल में पढ़ी। ये है वो गली जहाँ पे आरजे महविश खेलते खेलते बड़ी हुई। ये बाजार है, यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह हैं
और पहले बहुत ज़्यादा इस बाज़ार में रौनक होती थी। तो ये हमारे बस्ती मलाना का बाज़ार है, इन गलियों में खेल कर मैं बड़ी हुई हूँ। तो मैंने सोचा आप अपनी YouTube फैमिली से आज ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँ। तो ये है मेरी अम्मी का घर जिस पे ताले ही पड़े हुए हैं मेरे। ये है मेरी नानी का घर। मामू अगर होते तो मैं अंदर जाकर वीडियो बनाती। मामू तो हमें अंदर तक नहीं आने देता कि कहीं हमारी जगह में बैठ ना जाए। ये नानी का पक्का मकान है। अगर मामू बैठने देता, अगर मामू हमारी सपोर्ट करता तो शायद हम इस फील्ड में ना होते। तो ये है मेरी नानों का घर। आज नानों का घर होता तो हम घर की तलाश में ना होते। अगर मामू अंदर आने देता, हमें बैठने देता तो आज हम मेरी अम्मी एक एक रुपया अपने घर के लिए इकट्ठा ना करती। अब हम घर जा रही हैं। हम अकेले यहाँ खड़े होकर क्या करेंगे। अगर ताला ना होता तो हम अंदर जाते। मैं नानों के घर का आपको विजिट भी करवाती। अम्मी के घर को बाहर से देखकर ही हम लोग वापस आ रहे हैं। और मुस्कान ज़रा बहुत परेशान हो गई देखकर कि हमारी आज नानो होती तो हम ऐसे दरवाजे से ही लौट ना आते। ये हमारे चाचू हैं जिनकी शॉप से हम बचपन से ही चीज़ें लेते थे। तो ये देख सकते हैं आप, हम आ चुके हैं अभी घर वापस। ये मैं अपने मेन रोड के ऊपर आ गई हूँ, घर के बिल्कुल क्लोज। जी हाँ बैठ भला हुई, अल्लाह तेरी जिंदगी की खैर करे। घर आते ही बच्चे भूख कर रहे थे, सो आज जुम्मे का दिन था, सोचा कुछ थोड़ा सा मीठा बना लिया जाए। हम मीठे में बना रहे हैं गुड़ वाले चावल। काफी अरसे के बाद इसमें मूंगफलियां भी हमने छील ली है डालने के लिए। गुड़ भी हमने कूट लिया है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से कूट लिया है इसको। और कुछ साबित गुड़ भी हमारे पास पड़ा है। जिन सब्सक्राइबर का दिल कर रहा हो गैर ममालिक से आ जाएं खाने के लिए। पानी हमारा गुड़ डालकर बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें चावल भी ऐड कर देंगे। चावलों को ऐड करने के बाद आप लोग उन्हें अच्छे तरीके से चम्मच हिलाना है। चावल और गुड़ डालने के बाद हम इसमें मूंगफली ऐड कर देंगे, साथ में चम्मच भी हिला देंगे। हाँ जी अजान चल गांद वाली बाल्टी चाय। अच्छे तरीके से चम्मच हिला लें ताकि ये नीचे से डलियां ना बन जाए। और आप सबसे हमेशा की तरह एक ही गुजारिश करूंगी कि मेरा फेसबुक का कोई पेज नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ चैनल है यूट्यूब का आरजे मेविश। आप यूट्यूब पर चले जाएं, प्यार से आरजे मेविश लिख के मेरा चैनल आ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक के करम और आप सबकी मोहब्बतों से 1,00,000 फॉलोअर होने वाले हैं। बस शाम तक हो ही जाएंगे, तकरीबन 200-300 ही कम हो रहा है। तो आप सबकी मोहब्बतों की रहूंगी शुक्र गुजार। इंशाल्लाह 1,00,000 फॉलोअर होने की कम्प्लीट खुशी में हम धूमधाम का जश्न मनाएंगे। मुस्कान ज़ारा के बहुत ख्वाब है। हाँ जी हमें इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगेबान।